तो हम आए हैं यहाँ लोकल ढाबा में लंच करने, और लंच पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या क्या है खाने पे। ये देखो, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे लोकल ढाबा में खाना खाने के लिए। और साइड में ये देखो चिकन चल रहा है जो मैं अभी खाते हैं, और वो छुपा रहे हैं। और यहाँ पे वीक को मैं क्या करती हूँ ना, घर पे ही इसको मैं खाना खिला के लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर का खाना इसको दी नहीं हूँ अभी तक। तो कभी भी प्लानिंग होता है तो घर से खिला के लेके जाती हूँ, या तो इसका खाना मैं घर से बना के लेके जाती हूँ, लेकिन बाहर से नहीं देती हूँ। एक्स्ट्रा करी वगैरह मंगवाए थे, ये सब है। अब वीक बिजी है अपने मोबाइल पे, और अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे दशहरा देखने के लिए। है ना, आज फर्स्ट टाइम ऐसे लोकल ढाबा में खाना खा रही हूँ। मुझे बहुत मन था, पहले जैसे मैं रोड साइड पे देखती अमृतसर जाने के टाइम पे ढाबा वगैरह रहता, तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं वहाँ पे बैठ के खाऊँ, ऐसे चारपाई वगैरह लगे रहते हैं बैठ के खाऊँ, लेकिन कभी वैसा नहीं हुआ था। तो आज मैं दशहरा है और सोची कि दिन में निकल जाते हैं लंच वगैरह करके, उसके बाद फिर एक ही बार मैं दशहरा वगैरह देख कर घर आऊँगी। तो खाना शुरू हो गया था, मैंने कहा एक बार यार मुझे भी वीडियो करा दो यार, अपने ब्लॉग्स पे मैं ही नहीं आती। तो मुझे मेरे अभी बोल रहे कि खाना खाने के टाइम पे भी दिखाना, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। मतलब कुछ भी बोल देते कि मुझे हंसी आ जाता है, और बोले कि थोड़ा अच्छा से खाओ ताकि कोई कमेंट ना करे कैसे खा रहे हो बोल के। फिर वही सब चल रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो कर दो। और फिर क्या है ना, मेरा खाना अभी ख़त्म हो चुका था। विक इधर देखो, खाना वगैरह खाना हो चुका है, तो मैं सोची आप लोगों को पूरा एक बार इसका व्यू दिखा दूँ। और मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, मैं रेस्टोरेंट पे खाना खाई हूँ, लेकिन मैं ढाबा में आज पहली बार खाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं ढाबा में खाऊँ, तो आज वो हो गया। हाय करो, यहीं रुको, पीछे में गिर जाओगे, इधर आओ गिर जाओगे। तो इधर पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे काउंटर है, यहीं पे पेमेंट करना होता है। और ये रहा बाहर से, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पीछे होगा मत जाने, गिर जाओगे। अभी विसर्जन के लिए थोड़ा टाइम है, तो हम लोग सोचे तो थोड़ा सा चलो आगे घूम के आए। तो बस यहाँ ब्रह्मपुत्र के साइड हम लोग घूमने के लिए आ गए थे, नहीं पता कहाँ जा रहे थे, रोड कहाँ जाते नहीं पता, क्योंकि इस साइड पे ना हम लोग पहली बार आए हैं घूमने के लिए, तो नहीं पता था। फिर ऐसे जाते रहे, और मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम ऐसे ही घूम लूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था विसर्जन के लिए। कोई कोई बोल रहे थे 9 बजे से शुरू होगा, कोई बोल रहे थे 8 बजे शुरू होगा। फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम घूमते घूमते रह गए, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी हो गया था, अच्छा लग रहा था। तो अभी चलो आगे और दिखाते हैं, यहीं पर विसर्जन होएगी तो हम लोग यहीं पर देखेंगे। और धीरे धीरे करके शुरू हो गए थे, देवी को लेके आ रहे थे यहाँ पे, और ये देवी को भी यहीं पे देंगे विसर्जन, तो हम लोग यहीं पे देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है सुनने। फिर भी विसर्जन के लिए थोड़ी टाइम है, तो मैं सोची क्यों ना, क्योंकि विसर्जन मेरे घर के सामने होएगी, एक छोटी सी होती है, तो अभी का नाश्ते का टाइम हो गया था, मैं नाश्ता साथ पे कैरी इसलिए नहीं की थी, मैं सोची जल्दी होगी, लेकिन जल्दी नहीं हुई। तो फिर मैं सोची क्यों ना उसको नाश्ता घर पे करा के आती हूँ, और उसका दूध साथ पे लेके गई थी, दूध तो पिया था लेकिन नाश्ता नहीं किया ना, तो मुझे टेंशन होती है क्या पता भूख लग रहा हो। तो यहाँ पे टाइम हो गया है विसर्जन का, सब लोग खड़े हैं, मतलब रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सब लोग परेशान हो गए कि कब होगा, लेकिन सब लोग इतने एक्साइटेड है, बहुत खुशी होती है, और जो दुख भी लगता है कि इतने दिनों से माँ को तैयार करते हैं जो लोग प्रतिमा बनाते हैं, और कितने मुश्किल से कितने प्यार से वो लोग बनाते हैं, और एक ही टाइम पर विसर्जन के दिन, तो बहुत दुख लगता है, मुझे भी दुख लगता है। आप लोगों को किन किन को दुख लगता है बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि देवी माँ जा रही है अभी छोड़ के, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी नहीं जाते हमारे साथ छोड़ कर। और धीरे धीरे करके बस ये ऐसे उतार रहे थे माँ को, टाइम हो गया था विसर्जन का, तो शायद 7:40 के करीब ऐसे विसर्जन हुआ था,
और आप लोगों का दशहरा कैसा गया जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके। मैं वेट करती हूँ कि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिल जाए तो बहुत दिल खुश हो जाता है। और ऐसा धीरे धीरे क्योंकि माँ को देवी माँ को उतार रहे थे क्योंकि उनका टाइम हो चुका था विसर्जन के लिए, लेट भी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। 7:40 तो मैं बोली थी, लगभग 8 बज चुका था, 8:30 के करीब हो गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा कि मैं पूरा नहीं देख कर आई थी क्योंकि वीक का खाने का टाइम हो गया था और वो तंग कर रहा था कि उसको सोना था। और चलो अभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, जो नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक तो बनती है यार, क्यों लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे देखते रहो। मैं बाय बाय बोलूँ लेकिन एंड तक है, एंड तक देखना, तो बाय।